नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, क्या है कमज़ोरी और क्या है ताकत। तो दोस्तों ये वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिए। दोस्तों ये बार जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ अलग ही स्क्वाड खरीद लिया है, जहां पे लगभग 6 या फिर 7 स्पिनर उन्होंने खरीद लिए हैं। हरभजन सिंह, रविंद्र जडेजा, इमरान ताहिर, मिचेल सैंटनर, करण शर्मा जैसे बहुत सारे स्पिनर खरीद लिए हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी ताकत रहने वाली है वो रहने वाली है उनकी स्पिन गेंदबाजी। अगर दोस्तों कोई भी पिच में टर्न होती रहेगी तो वहाँ पर दोस्तों जो है चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर पूरा गेम में आ जाएंगे और जो है चेन्नई के स्पिनर सीएसके को मैच जिता के दे सकते हैं। दोस्तों ये बार जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने स्क्वाड में कुछ बराबर खरीदारी नहीं की है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ही स्पिनर खरीद लिए हैं और जो है फास्टर गेंदबाज को काफ़ी कम खरीदा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है चेन्नई की ताकत वो रहने वाली है उनकी स्पिन गेंदबाजी। अब बात करते हैं चेन्नई की कमज़ोरी की। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है चेन्नई की 2 कमज़ोरी है। सबसे पहले बात करते हैं कमज़ोरी नंबर 1। तो दोस्तों चेन्नई ने जो है ओपनिंग में किसी भी विस्फोटक बैट्समैन को नहीं खरीदा है। दोस्तों अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फ़ैन हो तो आप सबको तो पता ही होगा कि 2015 में ड्वेन स्मिथ और ब्रेंडन मैकेलम 2 ऐसे विस्फोटक बैट्समैन थे जो चेन्नई को काफ़ी अच्छे स्टार्ट देते थे, जिसका जो फ़ायदा है चेन्नई को होता था। लेकिन दोस्तों अभी जो है चेन्नई ने अभी जो है मतलब चेन्नई के पास लगभग 3 ऑप्शन है उनके ओपनिंग में। पहला है मुरली विजय, दूसरा है शेन वॉटसन और तीसरा है सैम बिलिंग्स। अगर हम सैम बिलिंग्स, शेन वॉटसन और मुरली विजय को देखें तीनों को, तो दोस्तों ये जो है तीनों बल्लेबाज अभी उतने ज़्यादा विस्फोटक नहीं है जितने कि ड्वेन स्मिथ और ब्रेंडन मैकेलम थे। तो दोस्तों ये है चेन्नई की कमज़ोरी कि चेन्नई ने जो है किसी भी विस्फोटक ओपनिंग बैट्समैन को नहीं खरीदा है। और दोस्तों बाकी बात करें मतलब बाकी सब टीम की, तो दोस्तों बाकी सब जो है टीमों ने अपने लिए एक एक विस्फोटक बैट्समैन को खरीद लिया है, वो भी ओपनिंग में। बस दोस्तों चेन्नई के पास ही ओपनिंग में विस्फोटक बैट्समैन नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं चेन्नई की दूसरी कमज़ोरी की। तो दोस्तों चेन्नई ने जो है आईपीएल के ऑक्शन में ज़्यादा फास्ट गेंदबाज को नहीं खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, केवल ड्वेन ब्रावो है एक उनके फास्ट गेंदबाज और दूसरे फास्ट गेंदबाज है वो है शार्दुल ठाकुर। और दोस्तों जो है शेन वॉटसन भी कभी कभी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन ड्वेन ब्रावो और शार्दुल ठाकुर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहने वाली है चेन्नई के गेंदबाजी की, क्योंकि चेन्नई ने जो है ये साल के ऑक्शन में कुछ ज़्यादा ही स्पिनर को खरीद लिया है और फास्टर बॉलर को काफ़ी कम खरीदा है। दोस्तों अगर आप चेन्नई के फ़ैन हो तो आप सबको तो है पहले से ही पता होगा कि चेन्नई की कमज़ोरी है वो है उनके ओपनिंग में विस्फोटक बैट्समैन, और सेकंड कमज़ोरी है वो है उनके फास्ट बॉलर। लेकिन दोस्तों जो चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी ताकत है वो है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, प्लस उनके जो स्पिन गेंदबाज है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, चाहे वो इमरान ताहिर हो, चाहे हरभजन सिंह हो, चाहे फिर रविंद्र जडेजा हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चेन्नई की ताकत और कमज़ोरी समझ में आ गई रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चेन्नई के फ़ैन हो तो वीडियो को शेयर कर दो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब करो, उसके बगल में जो घंटी दिया है उसको ज़रूर याद से दबा दो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।